हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ में समस्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों आप सबके लिए, जिसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। सभी के लिए बड़ी जानकारी है, इसलिए पूरे ध्यान से देखना होगा इस वीडियो को। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों प्राइवेट परीक्षार्थियों की। बहुत बेसब्री से जिन लोग 12वीं पास आउट किए हैं, वे जो है किसी कारणवश यदि वे रेगुलर नहीं कर पाए हैं तो वे प्राइवेट परीक्षा दिलाना चाह रहे होंगे, तो उनको अगर कोई भी जानकारी नहीं होगा तो इसमें इस वीडियो में आपको A to Z फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ जाके भरना, कितनी फ़ीस लगेगी, है ना, और कब से फॉर्म चालू हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको एक साथ दी जा रही है। वैसे तो आप सबको पता चल गया होगा आसपास से कि इसका जो डेट है, समस्त में सभी यूनिवर्सिटी का, जैसे बिलासपुर यूनिवर्सिटी है, दुर्ग यूनिवर्सिटी है, अपना बस्तर यूनिवर्सिटी है, सरगुजा यूनिवर्सिटी है, रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है, इन सब का जो कॉलेज का प्राइवेट फॉर्म भरना है ना, उनका जो डेट है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और इसका जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर होगा। इसका फीस डिटेल थोड़ा बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को लगभग 1800 रुपया फीस लग सकता है, ठीक है। मैं जो है मिनिमम जो है बता रहा हूँ, उसके आसपास ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसमें एक एक करके मैं पॉइंट वाइज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसको भरने के लिए, जैसे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को फॉर्म भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा। जो डॉक्यूमेंट लगेगा मैं इसको यहाँ पर स्क्रीन पे भी लगा दिया हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीन को पढ़कर देख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट लगेगा, है ना। माइग्रेशन है तो आप माइग्रेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल लगेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल का क्या कार्य होता है, जब आप चॉइस सेंटर में फॉर्म भराने जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपका पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन होगा तो आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। आपका 12वीं का जो रोल नंबर है वही आपका आईडी और पासवर्ड होगा दोस्तों, और उसको आपको गुम नहीं करना है, गुमाना नहीं है। उसके बाद आपका जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, अब फॉर्म फिलअप बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं सर कहाँ से फॉर्म भरा है, तो आपको चॉइस सेंटर में जाके फॉर्म भराना है, हाँ है, जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर होता है। फॉर्म भरा लेने के बाद उसका जो पावती मिलेगा, उस पावती को जिस भी परीक्षा सेंटर में आपने फॉर्म भरा होगा उस परीक्षा सेंटर में जाकर आपको सबमिट करना ज़रूरी है। कई बच्चे जो फॉर्म भर लेते लेकिन सबमिशन नहीं करते, यानी जमा करना है, ठीक है। अब जैसे कि किसी सेकंड ईयर का भी यही प्रोसेस है और फाइनल ईयर का भी है, जैसे BA है, BCom है, MA है, MSc है, ये सारे का प्राइवेट दिलाना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस है। अब हम बात करने जाते हैं दोस्तों कि यदि कोई विद्यार्थी 12वीं बहुत पहले से पढ़ चुका है, 4-5 साल का गैप हो चुका है, तो वे गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाएं और कहां से बनाएं, इसके लिए मैं बहुत जल्द अभी 1-2 दिन में ही वीडियो आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। धन्यवाद।